डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास आज तो हमारा टेन ट्वेल्थ के लिए लाल सॉरी क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट मैथ को हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्लास ट्वेल्थ में तो सब्जेक्ट भी हम लोग मैथ्स को पढ़ने वाले हैं। तो इस है क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नामक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, और ना इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग एक्सरसाइज 6.5, ठीक है, एक्सरसाइज 6.5 में हम लोग जो तो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे 6.5 में, क्वेश्चन नंबर 16 तक के डिस्कस कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ने वाले हैं अभी, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। ए स्क्वायर पीस, देख रहे हैं, ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इन टू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। वाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू द कट ऑफ द दैट वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल। देखिए हमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर में ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं ना कि स्क्वायर का चारों तरफ साइड इक्वल होता है। यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18 है, यहाँ पे भी 18 है, ठीक है। अब इसका जो साइड है वो 80 है, 18 है, 18 सेंटीमीटर है। फिर बोल रहा है कि इसके कॉर्नर पे कट करना है, ठीक है, इसको कट करना है। तो यहाँ पे ठीक है, जब हम लोग चारों तरफ से कट करेंगे, देखिए चारों तरफ से कट करके हमें क्या बनाना है, इसका बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऐसे रहता है, कभी मिठाई वाले बॉक्स को ध्यान दीजिए ऐसे रहता है। ठीक है, ठीक है, अब चारों तरफ से रहता है, तो इसको हम बॉक्स बनाना है। लेकिन यहाँ पे लिख रहा है विदाउट टॉप फ्लैप्स ऑन द वाइट फ्रॉम द ईच कॉर्नर फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप्स फ्रॉम द बॉक्स है लिखा हुआ, यहाँ लिखिए विदाउट टॉप लिखा हुआ है। तो विदाउट टॉप का मतलब ऊपर कुछ नहीं है। जैसे कभी आप ऐसे कट कीजिए, और जब यहाँ वाला साइड को जब आप ऐसे करके मोड़ेंगे, इसको भी वैसे ही मोड़ेंगे, इसको भी वैसे ही मोड़ेंगे, तो ये वाला दोनों मिल जाएगा, ठीक है, और आपको चारों तरफ से दीवार खड़ा हो जाएगा, लेकिन ऊपर का ढक्कन नहीं रहेगा। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बोल रहा है कि चारों तरफ से कट किया गया है। हम मानते हैं कि जो कटिंग साइड है वो एक्स है, यहाँ भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, चारों तरफ से एक्स एक्स कट कर दिया गया है। तो जब चारों तरफ से एक्स कट कर दिया गया है, तो यहाँ ये हम लोगों को ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, यानी कि चारों तरफ से जो है ना हम लोग यहाँ पे एक्स एक्स चारों तरफ से कट कर लिए हैं। जब एक्स एक्स चारों तरफ से कट कर लिए हैं, तो यहाँ पे हम आप मान लेंगे लेट द कटिंग पार्ट्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में जो हम लोग कटिंग किए हैं वो एक्स सेंटीमीटर किए हैं। तो अब आप समझो कि जब एक स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक 18 सेंटीमीटर था, इधर से भी एक्स कट गया, इधर से भी एक्स कट गया, तो बीच में कितना बच गया, 18 माइनस 2x। सब तरफ आपको 18 माइनस 2x बच जाएगा, बचेगा ना, हाँ जी। उसके बाद 18 माइनस 2x जो बचेगा सभी पूरा साइड, यानी कि अब ये क्यूब बन जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा, एक घन बन जाएगा, जिसका क्यूब का जो
हाइट जो होता है ना वो एक सी होगा, क्योंकि बहुत देखिए किसी भी क्यूब और कीबोर्ड में लेंथ होता है, ब्रेथ होता है एंड हाइट होता है। तो इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होगा, लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होगा, लेकिन जब इसको हम मोड़ेंगे तो ऊंचाई हाइट हाइट कितना बनेगा, तो जितना हम कट किए हैं एक्स कट किए हैं तो यही हम लोगों को हाइट मिल जाएगा। तो हियर हियर यहाँ पे देख पा रहे होंगे हम लोग कि लेंथ इसका कितना होगा दोस्त, तो लेंथ होगा 18 माइनस 2x। क्यों, कटने के बाद लेंथ कितना बचेगा 18 माइनस 2x, क्योंकि टोटल 18 है, इधर से x और इधर से x, दोनों तरफ से x x कम होगा तो 18 माइनस 2x। ब्रेथ भी वही होगा 18 माइनस 2x, ठीक है। लेकिन दोस्त यहाँ पे हाइट जो होगा ना स्पेशल x होगा, ठीक है। क्यों x होगा हाइट यहाँ पे, क्योंकि जब इसको आप मोड़ेंगे तो यही वाला जितना हम कट किया ना उतना ही ऊंचा ना जाएगा, ये चारों तरफ से अगर ऐसे ऐसे मोड़ेंगे, ये तो कटिंग हो गया, यहाँ तो ऐसे खाली है, तो इसको भी मोड़ेंगे इसको भी मोड़ेंगे तो जो मेरा हाइट बनेगा ये वही बनेगा, एक्स ही बनेगा। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो एल का भी वैल्यू 18 माइनस 2x है, बी का भी वैल्यू 18 माइनस 2x है, और इंटू में 2, तो हम इसको लिख सकते हैं ना भाई, सॉरी इंटू में x ना, तो x लिखिए इंटू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सवाल में क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द जो क्यूब है इसके बारे में बोल रहा है कि मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसी के बारे में सवाल में बोला मैक्सिमम, ठीक है। तो जिसके बारे में मैक्सिमम बोलता है या मिनिमम बोलता है उसी को हम लोग एफ एक्स मानते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एफ एक्स का वैल्यू एक्स इंटू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यूजिंग करेंगे, यूजिंग एफ डैस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यू इंटू वी पे, तो कैसे हम लोग तोड़ेंगे, तो एक्स को हम लोग बाहर करेंगे, यू इंटू वी पे तोड़ने वाले, इसको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए एक यू को बाहर करेंगे, फिर वी का डिफ्रेंशिएशन, तो वी का डिफ्रेंशिएशन का मतलब 18 माइनस 2x इंटू, अब 18 का तो डिफरेंशिएशन 0 और -2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा -2 प्लस, अब की बार इसको बाहर करेंगे 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको और x का वैल्यू 1, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 और ये इज इक्वल टू कितना 0। देख पा रहे होंगे आप कि ये दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, तो ये दोनों में से हम लोगों का जो कॉमन हो रहा है 18 माइनस 2x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बच रहा है, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ बच रहा है 4x, ठीक है। और यहाँ पे तो 2 ठो है ना, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर है, हम 18 माइनस 2x 1 ठो कॉमन किए हुए हैं, तो यहाँ पे तो 18 माइनस 2x बच रहा होगा ना इक्वल टू में 0, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हम लोगों को कितना बन रहा है इधर, तो 18 माइनस 2x तो एक है ही है, 18 माइनस 2x, ठीक है। और यहाँ पे 18 और ये -4 है, ये -2 है, तो ये बच रहा है 18 माइनस 6x, ठीक है, इक्वल टू 0। अब दो पार्ट में यहाँ पे देख पा रहे होंगे 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 18 इज इक्वल टू 2x, ये माइनस है तो प्लस, ठीक है। इसलिए x का वैल्यू कितना होगा 18/2, यानी कि हो जाएगा 9, ठीक है। 18 माइनस 6x इक्वल टू 0, यहाँ 18 इज इक्वल टू माइनस है तो उधर जाएगा तो 6x,
इसलिए x का वैल्यू 18/6, तो यहाँ हो जाएगा 3। अब देख पा रहे होंगे हम लोगों का x का वैल्यू 2 आ रहा है, x का वैल्यू 9 आ रहा है और x का वैल्यू 3 आ रहा है। तो हमें x का वैल्यू कितना रखना चाहिए, ठीक है, x का वैल्यू कितना रखना चाहिए कि हम लोगों का आ जाएगा। तो अब मैक्सिमम बोला ना सवाल में, क्या बोला कि इसको बोल रहा है मैक्सिमम। तो अब आप चेक करो भाई, चेक कर लो कितना पे, तो एट एक्स बराबर 9 पे एक बार चेक कर लो। तो एफ 9 निकालना यहाँ, ठीक है, क्योंकि एफ एक्स ना ये माने हैं, एफ एक्स माने ये चीज़, तो हम एफ 9 निकालेंगे। तो एक्स की जगह पे 9 रखेंगे और 2 × 9 होगा, तो 18 − 2 × 9 का होल स्क्वायर। देख पा रहे होंगे एक्स जहाँ जहाँ है यहाँ पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, 9 रखने वाले हैं, ठीक है, 9 रख दिया क्योंकि 9 पे हम लोग चेक करेंगे, एक्स का वैल्यू 2 आ रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। देख पा रहे होंगे कि 9 × 18 − 18 हो जा रहा है ना यहाँ पे, 18 में से 18 गया 0 और 0 का स्क्वायर 0, एगो तो 0 आ रहा है। फिर आप करेंगे चेक कितना पे भाई, तो एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे, 3 पे चेक करेंगे। तो आप सोचो 3 पे चेक करेंगे तो कैसे, तो f3, तो f3 का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए ना, 3 × 18 − 2 × 3 का स्क्वायर। तो 3 × 18 में से 6 गया 12, 12 का स्क्वायर 144 और 3 × 144 जितना आएगा, हालांकि इससे मतलब नहीं है, हम लोगों का तो x का वैल्यू आंसर करना है ना। तो अब x का जो वैल्यू आएगा वो हम लोगों का 2 आया है, लेकिन कौन सा पे मैक्सिमम, तो ये हम लोगों को मैक्सिमम दिखा रहा है, इसलिए x इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। यानी सवाल समझिए, हमें बोल क्या रहा है, हमें बोल रहा है कि x के किस वैल्यू पे, x के किस वैल्यू पे हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 2 आया, दोनों को हम चेक कर लिए, तो ये मैक्सिमम नहीं आ रहा था, ये मैक्सिमम आ रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी वे में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, हमें उसको कैसे सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए 18 पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए रेक्टेंगुलर सीट ऑफ टिन 45 cm × 24 cm इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि भाई एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में तो जानते ही क्या होता है, रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत, एक हम लोगों ने आयत बनाया, ठीक है, एक आयत बनाया, और इस रेक्टेंगल जो हम लोगों को रेक्टेंगल बन रहा है, जो रेक्टेंगल बन रहा है, इस सीट का जो लेंथ है 45 cm, ध्यान देना 45 cm, लेकिन जो दोस्त ब्रेथ है वो है हम लोगों का 24 cm, यानी इसीलिए बोला गया है 45 cm × 24 cm। तो 45 cm × 24 cm का मतलब ये हुआ कि 45 cm लेंथ और 24 cm ब्रेथ, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर स्वीट है, अब क्या बोल रहा है, इससे हमें बॉक्स बनाना है, और ऐसा बॉक्स बनाना है जिसका टॉप नहीं हो। तो हम लोग क्या करेंगे, चारों तरफ से कट करना होगा, तो चारों तरफ से मान लिया एक्स एक्स कट कर दिया, यहाँ पे भी एक्स कट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स एक्स कट कर दिया, यहाँ पे भी एक्स दोनों तरफ से कट कर दिया, यहाँ पे भी एक्स दोनों तरफ से कट कर दिया, ठीक है। तो जब एक्स कट कर दिया तो अंदर का इतना चीज बच रहा है, ठीक है भाई मेरे, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक के 45 है, इधर भी x माइनस हो रहा है, इधर भी x माइनस हो गया, तो यहाँ से बच रहा होगा 45 − 2x बच रहा होगा, लेकिन देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ ना, खाली चेक कर दिया।
चलिए, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अंदर से जब कट करेंगे तो ऐसा बनेगा। ये भी 45 है, टोटल 45 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के 45 है, और दोनों तरफ x और x माइनस होगा तो 2x माइनस होगा। वैसे ही लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक के टोटल 24 है, और इधर भी x माइनस होगा, चलो इधर भी चल x माइनस दवाई होगा, डालिए तो ला, टोटल मिलाकर यहाँ पे कुछ भी खाइए ले, 24 दवाई माइनस डालिए ला, 2x बनेगा ना, 24 माइनस 2x, क्योंकि देखिए x ना इधर से x क्या इधर से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेम कंडीशन बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है ना हमें रेक्टेंगल दिया हुआ और था, भी और कहीं बात रेक्टेंगल कही से एक हो, टीन का क्या निकालना है, एक हाँ हमें क्या हो, रेक्टेंगल से हमें सीट का बनाना है, एक हाँ बॉक्स बोलो बनाना है ना, जिसका टॉप नहीं है, तोरा दवाइया रखा ठीक था है। का कर ले, तो तोरा काली कुल वाला मिलाकर भी अगर तो देखा जाए जाए न कहा, तो लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे हमको पता चल गया। तो यहाँ पे जो कॉर्नर पे कट थोड़ा के आ गया है, थोड़ा थोड़ा लेट द ला लाना कटिंग लेंथ पे पार्ट, थोड़ा तो लेट द कटिंग साइड ऑफ रेक्टेंगुलर सीट का जो हम लोगों का कटिंग पार्ट्स है उसको हम कितना माने हैं दोस्त, एक्स माने हुए हैं। यहाँ से भी एक्स कटा, यहाँ से भी एक्स, चारों तरफ से एक्स कटा। तो यहाँ पे अब हियर बात बताइए किया जाए तो लेंथ कितना है टोटल, तो लेंथ हम लोगों को बन रहा है 45 माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ बन रहा होगा 45 माइनस 2x, ठीक है। ब्रेथ कितना बन रहा है, तो ब्रेथ यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 माइनस 2x, ठीक है, 24 माइनस 2x। हाइट कितना बन रहा होगा दोस्त, तो हाइट जितना हम लोग कट करते हैं वही हाइट होता है, तो कितना कट कर रहे हैं यहाँ पे x, तो यहाँ पे हाइट हो जाएगा हम लोगों का x, ठीक है। तो हम लोगों का लेंथ पता चल गया, ब्रेथ पता चल गया, हाइट पता चल गया। अब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जब हम लोगों को पता चल गया तो फिर हम लोग और कौन सा सिचुएशन ले सकते हैं, तो जब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट पता चल गया तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउ नाउ वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यहाँ पे कितना मिलेगा, एक्स यहाँ पे बन रहा होगा 45 माइनस 2x, यहाँ पे बन रहा होगा 24 माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ से एक्स इससे मल्टीपल करेंगे, सिर्फ एक्स इससे ही मल्टीपल कर रहे हैं, तो एक्स को 45 है तो 45x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, बढ़िया उसी का था थी, और यहाँ बन रहा है 24 माइनस 2x, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम हमारा पता ठीक चल है गया, ना, हम देखिए और थोड़ा इस ठीक चल रहे हैं, वॉल्यूम के बारे में बोल रहे हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में क्या बोला, कि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, बोला है ना, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, यानी कि इसके ही बारे थोड़ा में, तो ये मैं जो वॉल्यूम आया है पहले ना इसके समझा बारे में दिया बोला तुमने मैक्सिमम, ठीक है। हुँ? तो अब जो मैक्सिमम बोल रहा है इसी को हम लोग मान लेते हैं, तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मान लेंगे एक बार फिर से पैंतालीस रिपीट एक्स कीजिए ना, ठीक है, माइनस क्या टू एक्स स्क्वायर बाहरी इंटू 24 माइनस 2x, ठीक है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे हमें एफ एक्स का ठीक वैल्यू है इसी को मान लिए। अब मैं हम लोग तुम्हें यहाँ पे यूजिंग करेंगे, यूजिंग एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो को हम लोग प्रूफ करेंगे, यूज करेंगे। तो एफ डेस एक्स का मतलब क्या होता है, एफ डेस एक्स का मतलब होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो इसको जब बाहर करेंगे, यू इंटू वी पे तोड़ेंगे ना, इस पूरा को यू मानेंगे और दूसरे वाले को वी मानेंगे। तो यहाँ पे जब यू को अगर हम लोग बाहर करेंगे, इट मीन्स यू को बाहर करेंगे मतलब यहाँ पे 45x माइनस 2x स्क्वायर को बाहर करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन, तो 24 का तो 0 हो जाएगा, माइनस टू एक्स का हो जाएगा -2, ठीक है। और फिर प्लस, जबकि भी अब की बार वी को बाहर करेंगे, यानी कि 24 माइनस 2x को बाहर करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन, तो 45x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। और -2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो -2 2 जा 4x, -4x,
इक्वल टू कितना, जीरो। ठीक है, अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे बन क्या रहा है, माइनस टू को इसके साथ गुना कीजिएगा तो कितना आ रहा है, माइनस 90x, और इसको जब इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4x2। ठीक है, फिर प्लस 25 को 45 से मल्टीपल करना है, तो 25 को 45 से मल्टीपल कितना आता है देख लेते हैं, 24 को 45 तो कितना बन रहा है, 24 96, तो 8 1080। तो यहाँ पे हम लोग 24 और 45 को गुणा करके 1080, 24 को 4 से कितना होगा, 96x। ठीक है, माइनस 2x को 45 के साथ तो कितना हो जाएगा, 90x। ठीक है, अब माइनस 2x को माइनस 4x के साथ माइनस माइनस प्लस 8x² इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पे देखा जाए तो x² को हम लोग एक साथ ऐड करते हैं, 4x² है और यहाँ पे 8x² है, तो 8 और 4 को मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा भाई, 12x². ठीक है, x वाला को अगर देखा जाए तो 90x माइनस में है, 96x भी माइनस में है, सभी चीज़ें माइनस में है, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को सब जोड़ेंगे तो 276 में माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस 276x। ठीक है, और कांस्टेंट वैल्यू कौन सा है, ये 1080, तो ये 1080 रहेगा, 1080 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे तो क्या ये 12 से कटेगा, तो ये भी 12 से हम लोग को कॉमन हो जा रहा है, 12 अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x² माइनस 23x, ये 12 से इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 23 आ रहा है, फिर प्लस, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है हम लोगों को 90 इज इक्वल टू कितना, ज़ीरो। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे होंगे कि x² माइनस 23x प्लस में 90 इक्वल टू ज़ीरो बन रहा है। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि हमें 90 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, 23 आ जाए। ठीक है, इसको गुणनखंड करना है, तो 90 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कितना पे टूटेगा, तो हम लोग जानते हैं ना 15 छक्का 90 होता है, तो हम इसको ब्रेक कर दिए कितना में, x² माइनस 15 छक्का 90 होता है लेकिन नहीं टूटेगा, 16 25 17 25 85 होता है ना, 18 25 90, 18 और 5 में तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे 18 और माइनस 5x, देखिए 23 को हमने तोड़ा दिया, -18x -5x और प्लस में कितना, 90 इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से क्या क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, तो x यहाँ हो जाएगा -18। ठीक है, अब यहाँ से x माइनस 18 लिख देंगे और यहाँ से बच रहा है -5 इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे x-5 और एक गुणनखंड बन रहा है x-18 इक्वल टू ज़ीरो। अब हम लोग जानते हैं ना कि अगर ऐसा सिचुएशन रहता है दो पार्ट में तोड़ते हैं भाई, x-5 इक्वल ज़ीरो और x-18 इक्वल ज़ीरो, ऐसा सिचुएशन में x का वैल्यू कितना आया, 5, और ऐसा सिचुएशन में x का वैल्यू कितना आया, 18। अब हमें एक सवाल क्या बोल रहा था कि ये चीज़ें जो होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए, तो आप क्या करना यहाँ पे भाई, चेक कर लियो। ठीक है, यहाँ पे आप ना चेक कर लियो, कितना पे चेक करेंगे आप, एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे चेक कीजिएगा, यहाँ पे इसमें रख के पिछले सवाल जैसा ये एफ एक्स वैल्यू दिया है ना, तो इसमें आप f5 पुट करिएगा। ठीक है, f5 पुट करके यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा और वैसे ही एट अब की बार x का वैल्यू 18 पुट कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें भी f18 का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, और जिसका वैल्यू दोनों में मैक्सिमम होगा
तो ये वाला आंसर नहीं होगा। हम लोगों को 5 और 18, यही दोगों में से कोई आंसर करना है, या तो 5 आंसर होगा या तो 18 आंसर होगा। अब 5 और 18 में से किसको आंसर किया जाए, जिस पे मैक्सिमम आएगा वही पे हम लोगों का आंसर करते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप खुद चेक कर लीजिएगा कि कितना आंसर बनेगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा कि कितना हम लोगों का बनेगा, उस हिसाब से हम लोग उसका आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, कि 19 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ठीक है। 19 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं जरा देखते हैं। तो 19 क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे लिख रहा है सो दैट द राइट सर्कुलर, सॉरी 19 ना, सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इनसाइड इन अ गिवेन फिक्स्ड सर्किल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। बोल रहे ना कि हमें प्रूफ करना है, शो करना है कि ये स्क्वायर है, ठीक है। बोल रहा है कि यहाँ पे बोल क्या रहा है, देखिएगा यहाँ पे कि एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल है और इस सर्किल के अंदर एक रेक्टेंगल बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इस सर्किल के अंदर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है। सर्किल के अंदर, इनसाइड बोला है, इनसाइड द सर्किल, एक रेक्टेंगल है जो सर्किल के अंदर में है, और सर्किल का सेंटर भी तो हो सकता है भाई, ओ मान लिया सेंटर, ठीक है। अब इसका हम लोग ओ मान लिया है, सवाल क्या बोल रहा है कि जो रेक्टेंगल आप सर्किल के अंदर बनाते हैं ना, वह एक स्क्वायर होता है और उसका जो एरिया होता है वो मैक्सिमम होता है, यही बोल रहे। देख लो भाई, सबसे पहले बोल रहे सवाल में रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड अ गिवेन सर्किल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, मतलब बात को समझो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि जब आप किसी भी सर्किल के अंदर, वृत्त के अंदर आप अगर रेक्टेंगल बनाओगे, ठीक है, क्या बनाओगे, रेक्टेंगल, तो जब आप रेक्टेंगल बनाओगे, ठीक है, तो जब कभी भी आप रेक्टेंगल बनाओगे तो रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम नहीं होता है, आपको स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम होगा, ठीक है। यानी आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तभी ना, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, वी हैव प्रूव दैट, या सो दैट, प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड इट्स मैक्सिमम एरिया, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है और इसका एरिया जो है मैक्सिमम है, लेकिन फिलहाल हम लोग ए बी सी डी को यहाँ पे क्या माने हैं, रेक्टेंगल, लेट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। एंड लेंथ इसका मान लिया, लेंथ मतलब लंबाई, लेंथ को मान लिया एक्स, ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई, को मान लिया वाई, यानी इसका लेंथ ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ठीक है। और इसके बीच वाला का अगर हम लोग बात बात करें तो डाइगोनल है, डाइगोनल को हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो बी डी एक डाइगोनल है, बी डी क्या है, डाइगोनल है, बी डी इज द, बी डी इज द डाइगोनल, डाइगोनल मने विकर्ण, डाइगोनल ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। बी डी क्या है, ए बी सी डी का डाइगोनल विकर्ण है, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि सर्किल के अंदर है तो सर्किल, सर्किल का कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा, सर्किल का कुछ ना कुछ तो त्रिज्या होगा, तो आल्सो लेट, हम यह भी मान रहे हैं, लेट द रेडियस ऑफ सर्किल, लेट द रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर, यानी कि जब अगर हम इसका सर्किल का रेडियस आर माने हैं तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा,
तो टोटल AVR हो गया, AVR हो गया। तो अब सब चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। अब सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में क्या जानते हैं कि चारों जो एंगल होता है 90 डिग्री पे होता है, एंड रेक्टेंगल में होता है ना भाई? जी होता है। अब आप चल रहे होगे इन फिगर, इन फिगर, इन ट्रिएंगल, कौन सा में? BDC, इस ट्रिएंगल में चल रहे हो, इन ट्रिएंगल BDC, ठीक है। BDC में आप चलोगे भाई तो पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़े होगे। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इन ट्रिएंगल BDC में फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं हम लोग? तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हो गया यहाँ पे BD, तो BD का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देख पा रहे होंगे DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब BD का स्क्वायर कितना? तो B से लेकर D तक के हम दूरी माने हैं R, और R मिलकर कितना हुआ यहाँ पे 2R का स्क्वायर प्लस इज इक्वल DC कितना माने हैं X, और BC कितना माने Y। तो यहाँ पे हम लोगों को बन गया X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप कर लो भाई, तो कैसे करेंगे? 2R का स्क्वायर हो जाएगा 4R स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जब हम लोगों का एक्स स्क्वायर इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा? 4R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। इसलिए दोस्त, सॉरी वाई नहीं, वाई स्क्वायर, जब वाई का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट होगा, तो इसलिए वाई का वैल्यू क्या होगा? तो स्क्वायर रूट के अंदर 4R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वाई का वैल्यू हमें निकल गया। तो जब वाई का वैल्यू निकल गया और एक्स, वाई का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, क्या दिख रहा है? रूट अंडर 4R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब लिखिएगा नाउ, नाउ एरिया के बारे में बोल रहा है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो लेंथ को कितना माने हैं? एक्स, और इंटू ब्रेथ को कितना माने हैं? वाई। देख लो भाई, लेंथ को हम एक्स माने हैं, ब्रेथ को वाई माने हैं। अब यहाँ पे तो एक्स वाई हो गया, अब यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स लिखा, वाई का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं, रूट अंडर 4R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ रख दिया 4R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसी के बारे में बोल रहे हैं, जरा जरा सा सवाल देख लो। सवाल क्या बोल रहा था? मैक्सिमम एरिया, जो भी एरिया आप निकालेंगे उसका मैक्सिमम होने के बारे में बोल रहा था, यानी इसके बारे में बोल रहा है ये क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो जब एरिया मैक्सिमम बोल रहा है, तो जब हम लोगों को एरिया मैक्सिमम बोलता है उसी को ना एफ एक्स मानते हैं, तो एक्स इंटू रूट अंडर 4R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोगों का एफ एक्स। जब एफ एक्स दोस्त मान लिए, तो अब यहाँ से एक फार्मूला यूज किया जाता है, एफ डैश एक्स इक्वल जीरो, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग एफ डैश एक्स करेंगे, तो एफ डैश एक्स कैसे भाई? तो इसको मान लो यू, और इस पूरा को मान लो v, तो u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन होता है। u को बाहर कर लो, हम x को बाहर कर लिए, v का डिफ्रेंशिएशन कर लो, तो v रूट में है ना, तो रूट x का होता है 1/2 √x, तो 1/2 √x, तो रूट x का मतलब 4R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू, अब रूट के अंदर में तो 4R स्क्वायर है, तो 4R स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x। देख लो भाई, यहाँ पे हम मन में ही चैन रूल लगा दिए हैं, ठीक है,
कैसे चेन रूल लगाएं जरा देख लो। पहले तो u इंटू वी का फार्मूला हुआ, u को बाहर कर लो, v का डिफ्रेंसिएशन, तो v का डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, तो रूट के अंदर 4r² - x² है, तो जो रूट के अंदर रहता है उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं ना, तो आ गया 1/2√x। ठीक है, रूट एक्स का मतलब रूट 4r² - x². जब अंदर वाला हुआ तो फिर इसको उसी के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो 4r² एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस का माइनस हुआ और x² का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ देंगे प्लस, फिर v को बाहर करना है, v को बाहर कीजिए, v को बाहर करेंगे मतलब रूट अंडर 4r² - x² और u का डिफरेंशिएशन, u में कितना है x, तो x का डिफरेंशिएशन कितना 1, ठीक है, इज इक्वल 0। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लो भाई क्या बन रहा है, तो x को इस ऊपर से ऊपर मल्टीपल करेंगे तो क्या बन रहा है, -2x² / √4r² - x² तो 2 से तो 2 खत्म हो गया, इज इक्वल टू, ये इधर प्लस में है उधर जाएगा तो किस में होगा, -√4r² - x², इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, कैंसिल आउट हो गया। तो अब हम लोग क्या जानते हैं, x² = यहाँ पे कितना बन रहा है, इधर भी रूट में है इधर भी रूट में है, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा 4r² - x², क्यों, इसको और इसको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट और रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग -x² को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, x² + x² = 4r². ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा 2x² = 4r². ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं इसको, यहाँ से 2x² का वैल्यू निकालना है तो ये 4r² / 2, तो 2 से ये कितने बार में कट गया, 2 बार में, तो कुल मिलाकर यहाँ पे दिख पा रहा होगा कि x² = 2r². ठीक है, x का वैल्यू कितना आया 2r². ठीक है, तो x का वैल्यू जब हम x² का वैल्यू 2r² आ गया दोस्त, तो इसलिए हम लोग x का वैल्यू कितना हुआ, तो ये स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है 2r², तो इसलिए हम लोगों को x का वैल्यू कितना आया, √2 का तो √2 रहेगा और r² का सिर्फ r रहेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हमें पता चल गया कितना, √2r। ठीक है, अब हमको जब भी प्रूफ करना होगा, हमें क्या प्रूफ करना है कि ABCD एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, तो ये तभी ना प्रूफ होगा जब कोई भी दो गो साइड इक्वल हो जाए, मतलब लेंथ और ब्रेथ इक्वल रहेगा, लंबाई और यहाँ चौड़ाई दोनों अगर बराबर हो जाता है तभी ना हम बोलेंगे कि ये स्क्वायर है। तो x का वैल्यू कितना आया √2r। अब चलिए हम चलते हैं इस इक्वेशन से, इक्वेशन इसको मान लेते हैं y1, तो इससे हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तभी तो पता चलेगा कि x का वैल्यू जितना आया उतना ही y आता है कि नहीं, तो हम लोग इससे चलेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे लिखा जाए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, y इज इक्वल टू क्या है, √4r² - x², यहाँ कर दिया रूट के अंदर 4r² - एक्स का अभी अभी वैल्यू निकाले कितना होता है √2r² क्यों, क्योंकि एक्स का वैल्यू अभी निकाले √2r और उसका स्क्वायर चढ़ा दिया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4r² - √2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 का स्क्वायर होता है 2, r² का वैल्यू r². ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से 4r² में से 2r² गया तो कितना बच रहा है 2r² और 2 का स्क्वायर रूट कितना √2 और r का स्क्वायर का था तो r एक बार निकल जाएगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पे देख पा रहे होंगे हियर
हियर एक्स का वैल्यू भी आया हम लोगों का दोस्त रूट टू आर, एंड वाई का भी वैल्यू कितना आया रूट टू आर। तो जब एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू दोनों इक्वल आ गया, सो एक्स इज इक्वल टू वाई, या हम बोल सकते हैं और एक्स और वाई इक्वल बोलो, या फिर आप ये बोल दो कि डी सी बराबर बी सी, या फिर आप ये बोल दो कि चारों इक्वल है, क्योंकि ये जितना होगा उतना सामने वाला होगा, ये इतना होगा उतना सामने वाला होगा। तो आप यहाँ पे एक्स और वाई इक्वल है इसलिए हम डी सी बराबर बी सी बोल देंगे। तो हम या बोल सकते हैं डी सी इज इक्वल टू बी सी, और जब डी सी और बी सी इक्वल हो गया तो आप ये बोल दो कि ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल सी डी इज इक्वल डी ए। सो या हेंस अतः ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड इट्स मैक्सिमम एरिया, इट्स मैक्सिमम एरिया प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन थे जिसको हमको प्रूव करना था कि जो सर्किल के अंदर रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल बना था ना, ये हम लोगों का रेक्टेंगल नहीं है, क्या है ये स्क्वायर है, एक वर्ग है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर कितना था 19। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 पे। क्या बोल रहे 20 नंबर क्वेश्चन, तो 20 बोल रहे हैं सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब होता है बेलन, सिलेंडर का मतलब बेलन, कोन का मतलब होता है शंकु। ठीक है, ऑफ गिवेन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, सरफेस एरिया का मतलब होता है पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, और मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बेस। यानी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई, सवाल समझ लो। एक सिलेंडर है, कितना 20 है ना, एक सिलेंडर है और सिलेंडर का हमें शो करना है मतलब दिखाना है कि जो सिलेंडर में तो जानते हैं ना रेडियस भी होता है और हाइट भी होता है। तो हमें यहाँ प्रूव करना है कि इक्वल टू द डायमीटर, जो डायमीटर होता है ना बेस का डायमीटर होगा सिलेंडर में, वो हाइट के इक्वल होगा। जबकि क्या क्या बोल रहे हैं, सरफेस भी मैक्सिमम है एंड वॉल्यूम भी मैक्सिमम है, यानी कि इसका सरफेस एरिया और मैक्सिमम वॉल्यूम के बारे में बोला जा रहा है। चलिए देखते हैं इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको फिगरली ड्रॉ करेंगे। चलिए देखते हैं इसका हम लोग पहले डायग्राम देखेंगे, क्योंकि बोल क्या रहा है, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सिलेंडर के बारे में बोल रहे हैं ना, सिलेंडर का क्या क्या, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चलिए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर कितना है 20 नंबर क्वेश्चंस। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक सिलेंडर बनाएंगे, सिलेंडर का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको बेलन। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेंडर बनाएंगे, ये है सिलेंडर। ठीक है, ये है सिलेंडर, ये सिलेंडर है। अब सिलेंडर में हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका रेडियस भी होता है। ठीक है, इसका रेडियस यानी कि आर, और इसका हाइट कितना एच। ठीक है, तो कहने का मतलब कि कोई भी सिलेंडर है तो सिलेंडर का रेडियस और सिलेंडर का हाइट, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आर। हम क्या माने हैं कि सिलेंडर का रेडियस कितना है आर, एंड हाइट को हम लोग माने हुए हैं एच। ठीक है, हाइट को कितना माने, एच। सवाल क्या बोल रहे हैं, देखिए
तो सवाल हमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20, हमें प्रूफ करना है, शो करना है कि हाइट जो है इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बेस, यानी कि वी हैव टू शो दैट क्या हमें शो करना है भाई, हमें शो करना है कि हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, ठीक है। और डायमीटर का मतलब क्या, डायमीटर का तो मतलब जानते हैं ना कि अगर यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आर है तो यहाँ से यहाँ तक भी वैल्यू आर ही होगा ना, तो ये और ये आर दोनों को ऐड करेंगे तो डायमीटर मेरा टोटल कितना हो जाएगा, डायमीटर हम लोगों का 2 आर हो जाएगा, ठीक है। देख पा रहे हैं, तो हम यहाँ से देख पा रहे होंगे कि हाइट जो है डायमीटर के इक्वल है, हाइट जो है डायमीटर के इक्वल है। तो जब हाइट और डायमीटर दोनों इक्वल रहेगा, इसका मतलब हमें ये कह रहा है कि हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, डायमीटर का मतलब 2 आर, क्योंकि ये डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है जिसको व्यास बोलते हैं ना। तो ये चीज़ें हम लोगों को दोस्तों प्रूफ करना है, ये हम लोगों को शो करना है, ठीक है। अब आप समझो कि इस बेलन का सरफेस एरिया तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr इंटू आर प्लस एच। हम लोग बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल बोल सकते हैं, सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच। हम ये बोल सकते हैं ना भाई कि सरफेस एरिया को हम लोग किससे सूचित कर सकते हैं, सरफेस एरिया को एस से, इज इक्वल टू तो सरफेस एरिया को हम लोग एस से सूचित किए हुए हैं, 2πr को r से मल्टीपल करेंगे कितना होगा, 2πr² प्लस 2πr को h से मल्टीपल करेंगे 2πrh, ठीक है। इसका तो वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। अब कुल मिलाकर हम यहाँ पे बोल रहे हैं, बोला जाए तो कैसा कैसा नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ s है और ये 2πr² है, अगर इधर लाएंगे तो s माइनस 2πr² होगा और इधर बचेगा 2πrh। यहाँ से h का वैल्यू निकालेंगे तो 2πr गुना में है ना, इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, मतलब s माइनस 2πr² बटा 2πr इज इक्वल टू h, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना आ गया हम लोगों का, तो s माइनस 2πr² बटा 2πr। अब जरा हम लोग अब वॉल्यूम का फार्मूला लगाते हैं, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो बेलन का आयतन क्या फार्मूला होता है, πr² h। हम लोग पाई का पाई रख दिए, r² का r² और इसीलिए सरफेस एरिया का फार्मूला इतना था, तो हम लोग h का वैल्यू निकाल चुके हैं, h के जगह पे कितना रखेंगे भाई, s माइनस 2πr² बटा 2πr, ठीक है। तो एक r से एक r कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ हम लोगों को क्या बन रहा है, तो r ऊपर बच रहा है, r ब्रैकेट में s माइनस 2πr² बट्टा में 2, ठीक है। अब ये हम लोगों को क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। सवाल में यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर बोल रहा है वॉल्यूम हम लोगों को मैक्सिमम है, देखिए मैक्सिमम वॉल्यूम बोला है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम यानी कि जो हम लोगों को वॉल्यूम आया इसके बारे में सवाल बोला मैक्सिमम। तो जब इसके बारे में मैक्सिमम बोला दोस्तों, तो इसका हम लोगों को क्या करना होगा, इसका हम लोगों को f(x) = f(x) मानना होगा, यानी कि कुल मिलाकर ये जो r इंटू एस माइनस 2πr² जो है, तो यहाँ पे अब आप लेट मानिए, लेट एफ
एक्स ना, नहीं एफ एक्स नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब फंक्शन आर में है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एफ आर मानेंगे, एफ एक्स नहीं, तो यहाँ पे एफ आर मानिए। तो लेट एफ आर इज इक्वल टू आर इंटू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बट्टा में 2, ठीक है। अब हम लोग कौन सा यूज करेंगे फार्मूला, तो यूजिंग एफ डैश आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो एफ डैश आर का इक्वल 0 यूज करेंगे, तो हम लोगों को इसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा। तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा, फिर एक वो यू है और ये पूरा वी है, तो u इंटू वी का फार्मूला लगाएंगे, u को बाहर करेंगे, फिर v का डिफरेंशिएशन, तो v का डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई, तो s कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे दिख पा रहा होगा कि हम लोगों का जो s क्या है, कांस्टेंट ना, तो कांस्टेंट का तो 0 और माइनस 2 पाई और आर स्क्वायर का 2r, तो माइनस 2 पाई है और आर स्क्वायर का 2r, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। फिर प्लस इसको हम लोग ऑलरेडी बाहर करते हैं, तो एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ये हम लोगों का क्या हो गया बाहर, ठीक है, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाहर हो गया, और फिर r का डिफरेंशिएशन, तो r का डिफरेंशिएशन कितना 1, यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि 1/2 तो कांस्टेंट था, बाहर निकालिए, फिर u इंटू वी लगा दिए फार्मूला, u को बाहर करके v का डिफरेंशिएशन प्लस v को u का डिफरेंशिएशन ब्रैकेट 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1/2 इधर गुना में है ना, जब इधर जाएगा 0 में तो 0 हो जाएगा भागा, इसको टोटल गुना कराइए तो कितना मिलेगा, प्लस माइनस माइनस इसको 2 2 4 पाई आर स्क्वायर, तो माइनस 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप यहां से देख पा रहे होंगे क्या बन रहा है, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल 0, इसलिए यहां से एस का वैल्यू कितना आया 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ गया 6 पाई आर स्क्वायर। कुल मिलाकर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, या फिर एस का वैल्यू तो कितना आ रहा है 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एस का तो वैल्यू आ गया ना दोस्त। अब नाउ या अगेन अगेन आप चलिए, तो हम लोगों का पीछे आप एच का फार्मूला देखिए, एच का फार्मूला कितना आया था, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बटा 2 पाई आर, यानी कि आप लिखे अगेन, चूंकि एच का वैल्यू आया था एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बटा 2 पाई आर, तो अब हम लोग यहाँ से एच इज इक्वल टू एस की जगह पे कितना रखना है भाई, अभी जो हम लोगों को मिला 6 पाई आर स्क्वायर, यहाँ 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अब 6 में से 2 गया, कितना बच रहा है 4 पाई आर स्क्वायर बट्टा में 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, आर से एक आर ख़त्म हो रहा है 2 से 2 बार में, यानी कि h बराबर हम लोगों को 2r आ गया दोस्तों। जब h बराबर 2r हो गया सो हम बोल सकते हैं कि हाइट जो है इक्वल आ गया किसका, डायमीटर का, यही तो हमें प्रूव्ड करना था, तो प्रूव्ड हो गया, क्योंकि सवाल क्या बोल रहा था, फिर से दिखा देते हैं, शो कीजिए, शो दैट मैंने दिखाना है कि किसी भी सिलेंडर का जो सर्कुलर सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है एंड गिवन सरफेस एरिया, वो मैक्सिमम वॉल्यूम को दिखाता है सच दैट हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, यानी कि हाइट जो है इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा था, प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 20 था। चलिए हम लोग आगे करते हैं काम, क्वेश्चन नंबर 21 में पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है।
ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 21। ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैंस राइट सर्कुलर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच इज द मिनिमम सरफेस एरिया। देखो भाई, किसी भी सिलेंडर में हमें यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, और वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम हम लोगों को दिया है 100, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोगों को काम क्या करना होगा, ज़रा देखिए, हम लोगों को यहाँ पे जो काम करना होगा, फिर से हम लोगों को एक सिलेंडर लेना है, ठीक है, हम लोगों को एक सिलेंडर लेना है, ठीक है, एक सिलेंडर लेना है। अब इस सिलेंडर का हमें कितना मानना पड़ेगा, रेडियस, हम लोगों को रेडियस आर मानना पड़ेगा, और इसका जो हाइट है उसका हाइट को मानना पड़ेगा एच, ठीक है, हाइट को कितना मानना पड़ेगा, एच, रेडियस कितना है, आर, ठीक है। अब यहाँ पे मानना पड़ेगा, लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आर एंड हाइट इज इक्वल टू एच। हम लोग हाइट को एच माने हैं और रेडियस को आर माने हैं। एंड आल्सो गिवन हमें क्या दिया है भाई, तो वॉल्यूम हमें दिया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। तो वॉल्यूम का फार्मूला कितना होता है, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, जिसका वैल्यू तो हमें दिया है 100, ठीक है। जब पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू हमें 100 दिया है, तो यहाँ से हम लोग एच का वैल्यू निकाल सकते हैं ना भाई, क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, 100 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसमें सवाल पता नहीं चल रहा था कि हमें क्या बोल रहा था, तो हमें डायमेंशन निकालना है। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड द डायमेंशन, यहाँ लिखा हुआ है ना, फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब इसका हमें डायमेंशन निकालना है, मतलब कि रेडियस का वैल्यू निकालना है, कि वाकई रेडियस का वैल्यू जो हम लोग आर माने हैं, तो आर का वैल्यू क्या हो सकता है, एच का वैल्यू एच माने ना, तो एच का वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है। तो हमें आर का भी वैल्यू निकालना है, एच का भी वैल्यू, डायमेंशन का मतलब होता है उसका वीमा, वीमा का मतलब कि किसी भी सिलेंडर में कौन कौन सा डायमेंशन यूज होता है भाई, तो किसी भी डायमेंशन में आर और एच का ही यूज होता है ना, तो हमें आर का भी वैल्यू निकालना है, एच का भी वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे एच का वैल्यू कितना आया, 100 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर सवाल में क्या बोला, सवाल में आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ पे दे दिया 100 क्यूबिक, फिर बोल रहा है कि आगे फाइंड द डायमेंशन इफ कैन विच द मिनिमम सरफेस एरिया, यानी कि अब सरफेस एरिया के बारे में बोल रहा है मिनिमम। तो अब लिखो नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्या, सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा है, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h का वैल्यू हम लोग खुद निकाल चुके हैं ऊपर, 100 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज़ तो मिल रहा है भाई, अब ये चीज़ें मिल रहा है तो हम लोग बारी बारी से गुना भी कर सकते हैं, 2πr को r से गुना किया तो 2πr स्क्वायर मिल रहा है, प्लस प्लस प्लस, अब r को r से डिवाइड करते हैं, और तो यहाँ से तो पाई, जब इसको इससे गुना कर रहे हैं वो हम बता रहे हैं, पाई से तो पाई कट रहा है, ठीक है, आर से तो एक आर कटेगा, और 2 को 100 से गुना करेंगे तो 200 बटा पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर, तो एक आर नीचे बच जाएगा, तो
तो हम लोगों का सरफेस एरिया कुछ इस तरीके से होगा, और इसी के बारे में बोल रहा है कि हमें क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो दोस्त जिसके बारे में मिनिमम या मैक्सिमम बोलता है उसी को हम लोग मान लेते हैं लेट एफ आर, उसको एफ आर मानेंगे। तो एफ आर का वैल्यू कितना, 2π r² + 200 / r, ठीक है। हम लोग एफ आर का वैल्यू मान लिए, एफ आर का वैल्यू क्या आ गया, 2π r² + 200 / r। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि नाउ अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ज़रा देख लेते हैं। एफ हम लोगों को क्या आया है, ज़रा एक बार और फिर से देख लेते हैं, 2π r² / 200 / π, किसका वैल्यू आया है, एफ आर का। तो फिर से यहाँ लिख देते हैं, चूँकि उधर जो पेज पलटे हैं, एफ आर का जो वैल्यू आया है ना वो क्या आया था, 2π r² ना, 2π r² और 200 / r, इस तरीके से आया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे यूजिंग करेंगे, यूजिंग एफ डैश आर इक्वल टू ज़ीरो। अब एफ डैश आर का मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2π का तो 2π रहेगा ना भाई, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, तो इंटू 2r प्लस 200 तो कांस्टेंट है तो 200 तो रहेगा ही रहेगा, और 1r का डिफरेंशिएशन होता है कितना, -1r², ये होता है। देख लो 200 कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिए, 1r का डिफरेंशिएशन -1r² = 0। फिर यहाँ कितना बन जाएगा, 4πr, और इधर माइनस में है ना, प्लस माइनस माइनस, उधर जाएगा तो किस में, 200r², ठीक है, प्लस माइनस माइनस था, इधर गया तो प्लस। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4πr³, ठीक है, 4πr³ = 200, इसलिए r³ का वैल्यू कितना होगा, तो 200 बाई 4π, ठीक है। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 4 से तो ये कितना बार में कटेगा, 50, तो यहाँ होगा r³ का वैल्यू 50/π। दोस्तों इसलिए r का जो वैल्यू होगा वो 50/π के पावर इधर कितना हो जाएगा, 1/3, क्योंकि इधर जितना भी रहता है ना, उधर अगर क्यूब रहेगा तो क्यूब को हटाना चाहते हैं तो उधर जाके 1/3 हो जाएगा। तो एक आंसर आ गया हम लोगों को r का वैल्यू। अब हमको h भी निकालना है, तो नाउ h का फार्मूला कितना है, h हम लोग निकाल चुके हैं ना पीछे, h कितना निकाल चुके हैं, 100/πr², तो यहाँ पे आप कर दो 100/πr², तो चूँकि 100/πr², तो आप 100 का 100 लिखो, पाई लिखो, r का वैल्यू कितना आया, 50/π³ / 1/3² ठीक है। देख लो भाई, हम लोगों का तो एक दोनों डायमेंशन निकालना था ना, डायमेंशन में कौन कौन सा आता है, तो जो चीज़ें इस्तेमाल होता है वो सब सारा आता है। r का वैल्यू हम लोगों को ये आंसर आ गया, लेकिन h का भी तो आंसर निकालना है। h बराबर हम फार्मूला यूज किए पीछे का, 100/πr². अब 100 पाई का तो पाई रख दिया, r का वैल्यू इतना आया था 50/π³ / 1/3, और उसका स्क्वायर r स्क्वायर था। अब इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं भाई, कैसे, तो ये 100 तो है ही है, बट्टा पाई का पाई ही है, और 50/π³ कितना, तो 1/3 को 2 से गुना करेंगे तो 50/π³ कितना, तो 2/3, ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब देख लीजिएगा, आंसर हो सकता है कि इसको तोड़ दिया हो और फिर इसको दूसरे टाइप में दिया होगा इसी से बनाकर, तो देख लीजिएगा कि आंसर सही सही दिया होगा। तो हम लोगों को डायमेंशन पता चल गया, आर का वैल्यू और एच का वैल्यू, तो कुल मिलाकर ये हम लोगों का डायमेंशन बोल रहा था। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।